जिसमें लेदर की रैपिंग हुई है वो काफी अच्छी क्वालिटी की हुई है, क्योंकि तो काफी मजबूती से सबवूफर लगी है। आप देखेंगे गाड़ी हिल जाएगी। सीट के बाद आप लोग चेकआउट करेंगे, काफी अच्छी फिनिशिंग, काफी अच्छी फिटिंग के साथ जेन्युइन साइड बीडिंग लगी है जो कि डबल टोन में आती है। डायमंड का प्लेयर लगाया है जो कि 2K रहने वाला है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को। एमट्रैक्स की जेड सीरीज डैम्पिंग इंस्टॉल की है। जो स्टीयरिंग के ऊपर रैपिंग अपनी हुई है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की हुई है। अगर जेन्युइनिटी की बात करूँ तो ये इसके जेन्युइन की पहचान रहती है। लाइट के थ्रो की बात करूँ तो वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। हेडलाइट का बेजल चेंज किया जो कि प्रॉपर पियानो ब्लैक रहने वाला, प्रॉपर तरीके से क्रूज कंट्रोल गाड़ी में एक्टिवेट करवा सकते हो। इंडिकेटर क्रोम और साथ में जो इसमें इंडिकेटर है वो भी चेंज किया गया है, जो कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एन अदर वीडियो ऑफ कार बीस्ट। आज जो ये वाली गाड़ी है अपनी, ये अपने लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि ये कस्टमर ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके कार बीस्ट पे आए अपनी गाड़ी बेस टू टॉप करवाने, जिसमें इनको हमने बहुत अच्छे बजट के अंदर गाड़ी में बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन करके दी है। पहले मैं दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ से आई है। तो गाड़ी अपनी आई है छत्तीसगढ़ रायपुर से, जिसका आप नंबर चेक कर सकते हो CG22। गाड़ी का नंबर आने वाला है 2024 का, अपना मॉडल आने वाला है ग्रैंड विटारा सिग्मा ग्रे कलर के अंदर। व्हाइट और ग्रे दोनों ही गाड़ी हमारे पास काफ़ी अच्छी कंडीशन में आती है, और अभी आप गाड़ी की कंडीशन देखेंगे तो बिल्कुल ही अपनी ही खुली कंडीशन है, जिसमें हम लोग आगे से पीछे से इंटीरियर एक्सटीरियर सभी जो पार्ट्स हैं उनको आज बिल्कुल चेंज करके गाड़ी को बेस टू टॉप मॉडिफाई करने वाले हैं। गाड़ी के अभी आपको कंडीशन दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे अभी जो अपना वर्क है वो इस पर डैम्पिंग का वर्क चल रहा है, जिसमें जो हमने यूज़ की है वो हमने आज एमट्रैक्स की रेड सीरीज डैम्पिंग इंस्टॉल की है। अंदर की लेयर भी इसके अंदर डैम्प हुई है जो कि डबल लेयर डैम्पिंग होने वाली है, और प्रॉपर डबल लेयर करवाने से आपका फ़ायदा ये होता है कि डोर्स की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। रेयर डोर्स के अंदर भी हमने जो डैम्पिंग है वो डबल लेयर की है, आप लोग चेक कर सकते हो, और यहाँ से भी आप लोग जो इसका डबल लेयर का है वो चेक कर सकते हो। स्पीकर जो हमने इसके अंदर लगाने वाले हैं वो मैक्सिमो मोरेल के MK2 सीरीज के फ्रंट डोर में कंपोनेंट स्पीकर्स लगाने वाले हैं, जो कि टू वे कंपोनेंट्स होते हैं, और रेयर डोर्स के अंदर अपना मोरेल के MK2 के ही कोएक्सल स्पीकर्स लगाने वाले हैं विथ एम्पलीफायर विथ बेस ट्यूब। काफ़ी अच्छा इसमें आपको साउंड का आउटपुट देखने को मिल जाने वाला है। डैम्पिंग की है तो साउंड और ज़्यादा आपको इन्हेंस करके देखने को मिलता है। डिस्प्ले जो लगाएंगे वो हम लोग इसके अंदर डायमंड की डिस्प्ले लगाएंगे, चेक कर सकते हो वर्किंग कंडीशन में आपकी जो डिस्प्ले है वो रहने वाली है। बाकी जो सीट का वगैरह काम है वो अपना इसमें भी ऑन प्रोसेस है, जो एक्सटीरियर पार्ट्स का काम है वो भी अपना ऑन प्रोसेस रहने वाला है। तो जब गाड़ी हमारी ओपन रहती है, जब हम लोग इसमें वर्क करते हैं, तो लोगों का एक जो मेन पॉइंट होता है कि भैया गाड़ी के अंदर आप लोग जो वर्क करते हैं तो क्या हमारी किसी तरीके की वायरिंग को हार्म किया जाता है, जो कि हर कस्टमर का ऑलमोस्ट सेम सवाल रहता है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये अपना मेन जो डिस्प्ले है वो रहने वाला है, जो कि ऑन कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। ये आपकी कंपनी का कपलर होता है जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, और ये हम लोग एक कपलर लगा के प्रॉपर आपकी गाड़ी में जो भी काम करते हैं वो करते हैं कपलर टू कपलर। अगेन स्पीकर्स के अंदर भी यही होता है, ये आपका कपलर देता है कंपनी वाले, और ये हमारा येलो वाला कपलर होता है जिसको हम लोग प्रॉपर कपलर टू कपलर के वर्क में ही करते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ इसमें इंस्टॉल होती है, लाइक एम्बिएंट लाइट, एनीथिंग, रिफ्लेक्टर्स, आगे की LED, हर एक चीज़ ही आपकी बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट होती है, जिससे आपकी वायरिंग को किसी भी तरीके का हार्म नहीं किया जाता है। तो यही कुछ काम गाड़ी के अंदर अभी ऑन प्रोसेस अपना रहने वाला है। एक बार गाड़ी को कंप्लीट होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि जब गाड़ी कंप्लीट होती है तब इसका जो लुक निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है, और जो कस्टमर इतनी दूर से आते हैं हमारे यकीन पे, क्या हम वो यकीन सक्सेसफुल कर पाते हैं। कस्टमर से लास्ट में आपको जरूर मिलवाएंगे। तो गाइस जैसा कि अब आप लोग देखेंगे, जो इस गाड़ी का पूरा मॉडिफिकेशन का वर्क है वो अपना पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट। गाड़ी का जो सिग्मा से लेकर अल्फा तक का सफर था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गाड़ी अपनी आई है CG22 जो कि अपना रायपुर का नंबर आने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर के अप्रॉक्स गाड़ी अपनी चल के आई है। तो जब गाड़ी आती है हमारे पास रॉ कंडीशन में, तो हम लोग पहली हमारी प्रेफरेंस यही रहती है कि अगर गाड़ी दूर से आती है तो जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है उसको फुलफिल करना सबसे मोस्ट नीडेड होता है। तो आज वही मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो इसके अंदर प्रीमियम से प्रीमियम चीज़ इंस्टॉल हुई है, और काफ़ी अच्छे बजट के अंदर गाड़ी को हमने मॉडिफाई करके दिया है। पहले बात करेंगे फ्रंट की प्रोफाइल की, तो इसमें आपको फ्रंट में लगा है सिग्नेचर गार्निश, जो कि आपको पता है एक नेक्सा का जेन्युइन पार्ट आता है, और ये लगने के बाद जो आपकी गाड़ी की लुक होती है फ्रंट साइड से
वो 360 डिग्री चेंज हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी देखने को मिल जाती है आपके। उसके अलावा इसमें लगा है अपना 360 कैमरा, जो कि एक प्रॉपर ड्रोन व्यू के लिए आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, अगर आपका एक 360 और अच्छा कैलिब्रेशन का सेटअप हुआ हो तो, विथ डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले जो हमने इंस्टॉल किया वो 2K किए इंस्टॉल, जो कि हम आपको दिखाएंगे अंदर जाके। हेडलाइट का बेजल चेंज किया है, जो कि प्रॉपर पियानो ब्लैक रहने वाला है आपका, और जो कि एक रिप्लेसमेंट पार्ट है। इसमें आपका एक पीस निकल के नया पीस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, किसी भी तरीके की पेस्टिंग नहीं है। अगर इसमें आपको क्रोम चाहिए या पेस्टिंग चाहिए तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक बार आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ, तो लाइट जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है वो आपका 320 वॉट्स की लाइट इंस्टॉल की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रीमियम रहने वाली है, जिसका फोकस आप देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है ऑन हाईवे। गाड़ी के अंदर आपको सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, तो लाइट की जो डिमांड थी, जो लाइट इसमें वीक आती थी, उसको पूरी तरीके से ये लाइट आपकी फुलफिल करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2 ईयर्स की आपको ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, और प्लस में आपको इसमें किसी भी तरीके की हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज जो इसके अंदर रिले कैनवास होती है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की इंस्टॉल होती है। एक बार चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, आपको वहाँ दिखाते हैं। और अगर हम लोग बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम काम आपको देखने को मिल जाता है। पहले हम बात करते हैं रूफ रेल्स की, जो कि आपका पेस्टिंग का एक आइटम रहता है, और रूफ रेल लगने के बाद जो गाड़ी की हाइट है वो तो ऊँची होती है, साथ में जो गाड़ी का लुक है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। रूफ रेल की अगर पेस्टिंग की बात करूँ तो काफ़ी मजबूती से रूफ रेल लगी है, आप देखेंगे गाड़ी हिल जाएगी, लेकिन जो रूफ रेल है वो आपकी नहीं हिलेगी। साथ ही में इसमें हमने नेक्सा के जेन्युइन डोर वाइजर इंस्टॉल किया, जिस पर आपको 75% ऑफ मिल जाता है ऑन MRP। चेक करेंगे अपने 6 पीस के डोर वाइजर रहने वाले हैं विथ क्रोम इंसर्ट के साथ। अगर जेन्युइनिटी की बात करूँ तो ये इसके जेन्युइन की पहचान रहती है, जो पीछे लाइन्स आ रही है ये प्रॉपर एक जेन्युइन की पहचान होती है। आप चेक करेंगे जो लाइन्स है, अगर ये डोर वाइजर में है तो मतलब आपके डोर वाइजर जेन्युइन ही है। नीचे की साइड आप लोग चेक करेंगे तो इसमें अपनी लोअर गार्निश लगी है, जो कि 6 पीसेस की रहती है, जो कि सेम आपके डोर वाइजर के क्रोम से मैचिंग आपकी प्रॉपर तरीके से करती है। साथ ही में इसमें आपका जेन्युइन साइड बिलिंग लगी है, जो कि डबल टोन में आती है, पियानो ब्लैक एड क्रोम इंसर्ट के साथ ही। अगर इसमें पॉसिबिलिटी वर्क की बात करूँ तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं व्हील आर्च, कॉर्नर और रनिंग बोर्ड, जो कि एक बॉडी किट का पार्ट रहता है, और ये लगने के बाद जो कन्वर्जन है बेस टू टॉप का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। गाड़ी का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन आपका अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं, जो कि प्रॉपर आपके 18 इंचेस के हैं, जिसमें आपके टायर्स का जो साइज़ है वो भी आपका प्रॉपर तरीके से चेंज हुआ है। आप चेक करेंगे अलॉय की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर बात करूँ गाड़ी के बैक साइड की, तो बैक इसमें हमने लगाया है नेक्सा का जेन्युइन बैक ग्लास क्रोम, जो कि आपका बिल्कुल ही जेन्युइन रहने वाला है, 100% नेक्सा का। साथ ही में पीछे इंडिकेटर क्रोम, और साथ में जो इसमें इंडिकेटर है वो भी चेंज किया गया है, जो कि नए डिज़ाइन का आया है, मैट्रिक्स के अंदर आपका रहने वाला है, और इसमें आपको काफ़ी सारे जो फंक्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका पार्किंग, ब्रेक और इंडिकेटर, तीनों पर जो आपका ये रिफ्लेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता है। अब ये रिफ्लेक्टर अपना ऑन हो चुका है, ये इसका देख सकते हैं आप लोग, जो इसका स्कैनिंग मोड है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहने वाला है। पीछे इसमें नेक्सा का जेन्युइन डिफ्यूजर आपका इंस्टॉल हुआ है, जो आप लोग चेक कर सकते हैं, नट एंड बोल्ट फिटिंग के साथ आपको ये डिफ्यूजर रहने वाला है, जिससे पीछे का लुक भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही में पीछे का इसमें हमने रॉड इंस्टॉल किया है, जिसको हम बैक बम्पर कहते हैं, और सेफ्टी के पर्पज़ से ये भी एक सबसे ज़्यादा नीड की चीज़ है आपकी गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का अगर बैक प्रोफाइल हम लोग चेक करें, जो बैक प्रोफाइल कंपनी से रॉ आता है और जो हम लोग इंस्टॉल करके देते हैं, उसमें काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर पीछे की लुक की बात करूँ तो बिल्कुल लुक आपका गाड़ी के अंदर आपको चेंज करके देखने को मिल जाता है। तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके कैमरे की प्लेसमेंट है, प्रॉपर आपका इसमें 4 कैमरे लगे हैं, 2 एक आगे 2 आपके साइड मिरर्स पे और 1 आपका पीछे। तो ये 4 कैमरे से आपको एक प्रॉपर जो ड्रोन व्यू है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें हमने जो इंस्टॉल किया है वो JBL का 1300 वाट का जो बेस ट्यूब है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जो आप चेक कर सकते हो, जिससे जो आवाज़ है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्हेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और आपको जो इसके अंदर काम हुआ है वो भी आपको चेकआउट करवाते हैं, जो भी इसके अंदर प्रीमियम चीज़ इंस्टॉल की है और जिससे आपकी गाड़ी का जो कम्फर्ट है वो 100% बढ़ जाता है, वो चीज़ें आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के आपके इंटीरियर में, पहले आपको इंटीरियर का मेन जो वर्क होता है वो दिखाते हैं, जिससे एक इंटीरियर प्रॉपर इंटीरियर कहलाता है, जिसमें लेदर की रैपिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई है, क्योंकि इसमें हमने आज सेम टॉप मॉडल की जो थीम होती है ब्राउनिश कलर की वो इसके अंदर यूज़ की है। चेक करेंगे आप लोग जो थ्रेडिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रीमियम रहने वाली है, और जो थ्रेडिंग की एक होती है कि फिनिशिंग वो भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, और लेदर अपॉस्ट्री का जो वर्क हुआ है वो भी काफ़ी आपका अच्छा रहने वाला है। अब अगर टॉप मॉडल बनाया है तो उसको पूरा ही बना के देंगे हम लोग। यहाँ हमने जो पावर विंडोज़ की स्विच प्लेट होती है ये प्रॉपर तरीके से पियानो की है, जो कि आपका सेम टॉप मॉडल में आता है। ऑडियो की बात करूँ तो इसमें हमने मोबाइल के MK2 के आगे कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, जो कि प्रॉपर जेन्युइन टूटा पैनल के साथ आपका चेंज होते हैं, और OEM जगह पे आपकी जो टूटेस की प्लेसमेंट है वो आपकी होती है। और जो रियर डोर्स है उसके अंदर हमने आज इसके सेम ही कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं,
तो जो ऑडियो हुआ है वो भी काफ़ी लाजवाब हुआ है और सुनाएंगे आपको वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सुनाएंगे। इसमें हमने जो रोलिंग कर्टन है वो भी किया है इंस्टॉल, जो कि आपको मोस्टली लग्जरी गाड़ी में देखने को मिलता होगा, लेकिन आज हमने वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया है। जैसे आप लोग ऊपर करेंगे ये आपके कर्टन ऊपर हो जाएंगे, और जैसे विंडोज़ को नीचे करेंगे प्रॉपर तरीके से जो आपके कर्टन है वो नीचे हो जाएंगे। तो ये आपको कुछ काम आने वाला है डोर्स का। और अगर इंटीरियर वर्क की बात कर रहे हैं तो आज इसमें डैशबोर्ड किट भी हमने चेंज की है, जो कि आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से मारुति सुजुकी जेन्युइन रहती है विथ सॉफ्ट टच। जो एसी वेंट्स के पैनल होते हैं वो भी हमने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर चेंज किए हैं और लगाए हैं ग्लॉस ब्लैक। जो इसके अंदर स्टीयरिंग इंस्टॉल किया है वो आपका प्रॉपर डी कट आने वाला है, विथ आपका सारे ऑडियो और वीडियो के जो कंट्रोल्स है वो इसमें आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग होते हैं, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। जो स्टीयरिंग के ऊपर रैपिंग अपनी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई है, और ये भी हमने डबल टोन में जो रैपिंग है वो करके हमने आज दी है इसके अंदर। जो हमारा सबसे बड़ा अपडेट होता है गाड़ी में वो होता है क्रूज कंट्रोल का। तो आपको पता है कार बीस्ट ने सक्सेसफुली क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर एक्टिवेट करके दिया है, और अब आप लोग चाहो तो प्रॉपर तरीके से क्रूज कंट्रोल गाड़ी में एक्टिवेट करवा सकते हो अपने किसी भी नेक्सा की कार में। तो अब आते हैं अपने मेन कंफर्ट पे, जिसके लिए हम लोग जाने पहचाने जाते हैं, वो होते हैं अपने लग्जरी सीट कवर्स। सीट कवर्स आप लोग चेकआउट करेंगे काफी अच्छी फिनिशिंग काफी अच्छी फिटिंग के साथ GT9 आपका ये डिजाइन जो है वो रहने वाला है। प्रॉपर आपको तीन कलर के अंदर ये सीट कवर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें ब्लैक, ब्राउन और आपका व्हाइट कलर, तीनों कलर आपके हमने मिक्स करके आज ट्राई कलर सीट कवर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं। फिटिंग सीट कवर से आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाली है विथ एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट, आप लोग चेक कर सकते हो। और सीट कवर्स की अगर बकट करने का तरीका देखोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीट कवर हम लगाते हैं और जो लगाने का तरीका हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यही हमारे टॉप ऑफ द लाइन सीट कवर रहते हैं, जो कि आपको एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल एसेसरीज कार बीच पे देखने को मिल जाती है। नीचे हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है चेकमेट की प्रॉपर फ्लोरिंग, जो कि आज के टाइम की मार्केट की सबसे प्रीमियम फ्लोरिंग आपको देखने को मिलती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऊपर लगाया है क्यूपो मैक्स ब्रांड का लाइफ लॉन्ग ट्रे वाला मैट, जो कि आपको लाइफ टाइम तक की वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के कैबिन में, आपको सुनाते हैं एक बिल्कुल ही साइलेंट कैबिन आफ्टर डैम्पिंग के बाद। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो डैशबोर्ड किट का काम कंप्लीट हुआ था उसमें 1, 2 और 3 पैनल आपके ये मिलते हैं, 2 पैनल आपको ये वाले मिलते हैं, और ये अपनी कंप्लीट होती है 5-पीस डैशबोर्ड किट, जो कि प्रॉपर मारुति की आती है। और यहाँ हमने आपको दिखाई थी अपनी जो रैपिंग की है, जो गाड़ी का पूरा 360 व्यू आता है, सारे पार्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं और बिल्कुल ये गाड़ी को अच्छा इंटीरियर गाड़ी का प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी सीट का उसमें आपको दिखा दिया, काफी कंफर्टेबल रहने वाले हैं आफ्टर फिटिंग। साथ ही में हमने इस गाड़ी में दिया है प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री आपका गियर नोब, जो कि प्रॉपर मारुति सुजुकी जेन्युइन रहने वाला है। ये आता था बिफोर जो कि मैट ब्लैक था, ये आता है क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ आपकी फ्रंट USB आने वाली है, जो कि प्रॉपर जेन्युइन रहने वाली है, और यहाँ आपकी आने वाली है बैक USB, जो कि प्रॉपर तरीके से जेन्युइन रहने वाली है, जिसमें आपको 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं Type-C और USB, जो कि फास्ट चार्जिंग को प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं अपने ऑडियो और वीडियो की, तो इसमें हमने डायमंड का प्लेयर लगाया है जो कि 2K रहने वाला है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्री इंस्टॉल काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिलती है। अगर बात करूँ प्लेयर की, तो ये अपना 360° कैमरा सपोर्ट करता है, 4+64 वेरिएंट में रहता है, विथ एप्पल कारप्ले विथ एंड्रॉयड ऑटो, और इसमें आपको यूट्यूब मैप नेविगेशन जो जो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी फुलफिल आपकी इस गाड़ी के अंदर एक ये प्लेयर अपना 12 इंची का सपोर्ट करता है। और लगने के बाद लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है सेम रेंज रोवर लुक में। डबल नोब मिलती है, जिससे आप लोग जो वॉल्यूम है वो भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग जो अपने मोड्स का ऑप्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है। अब आपको दिखाते हैं इसका 360 व्यू, जो कि हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो व्यूज़ है वो देखने को मिलते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, जो सारे व्यूज़ है वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी इसकी कैलिब्रेशन का काम अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी जो आपको इसका 360 व्यू है मैं वो दिखा देता हूँ, और आफ्टर कैलिब्रेशन जो उसका व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। अभी कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इससे पहले हमने आपको बहुत गाड़ियों में जो कैलिब्रेशन का वर्क है वो करके दिखा दिया था। तो हमने बात की म्यूजिक प्लेयर की, लेकिन जो इसके अंदर ऑडियो इंस्टॉल हुआ है वो भी तो काफ़ी अच्छा इंस्टॉल हुआ है। स्पीकर्स, कंपोनेंट, कोएक्सल एम्पलीफायर, जिसकी प्लेसमेंट हमारी प्रॉपर सीट के नीचे आ चुकी है, 4 चैनल अपना एम्पलीफायर रहने वाला है 93 वाट का, पीछे JBL की ट्यूब लगी है, तो वो आपको कैसे ना सुनाए। तो इसमें लगाते हैं एक अच्छा सा सॉन्ग और आपको सुनाते हैं कि कैसा वोकल, ट्रेबल और बेस आपको ये सेटअप लगने के बाद देखने को मिलने वाला है। तो ये आपने सुना भाई इसका ऑडियो
काफी अच्छा ऑडियो है भाई, कस्टमर खुश हो गए वाकई भाई। मतलब स्पीकर्स और जो एम्पलीफायर है, बहुत अच्छा साउंड सेटअप इस गाड़ी के अंदर हुआ है। बिल्कुल कस्टमर जैसा टेस्ट था उनका, सेम उस टेस्ट को इस म्यूजिक सेटअप ने आपका कंप्लीट किया है। तो आज हमने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया, जो छत्तीसगढ़ से आई थी, प्रॉपर बेस्ट टॉप गाड़ी को मॉडिफाई किया। और भी इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें इंस्टॉल हुए, लाइक पार्सल ट्रे, इसके अलावा जो छोटी मोटी एसेसरी होती है और भी इंस्टॉल हुई है। मतलब एक तरीके से आप माने तो गाड़ी पूरी अपनी बन चुकी है बेस्ट टू टॉप, एक अच्छे लेवल, एक अच्छे ऑडियो वीडियो सेटअप के साथ, अच्छे सीट कवर, अच्छे इंटीरियर के साथ। प्रॉपर आपका जो भी चीज़ें यूज हुई है, नेक्सा जेन्युइन, जो भी ऑडियो वीडियो यूज हुआ है बिल्कुल ब्रांडेड, तो काफ़ी अच्छा आपको जो गाड़ी के अंदर सेटअप है और कन्वर्जन है वो देखने को मिलने वाला है। लाइट के थ्रो की बात करूँ तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब काफ़ी जो प्रीमियम चीज़ें गाड़ी के अंदर है वो सारी आपकी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुई है। तो यही कुछ गाड़ी के अंदर पर काम रहने वाला है। जो गाड़ी हमारी छत्तीसगढ़ से आई थी, इसको हमने प्रॉपर बेस्ट मॉडिफाई किया। आप बताइए कि जो आपको मॉडिफिकेशन है आपको कैसी लगी, तो नीचे कमेंट कीजिए कि जो ये मॉडिफिकेशन है आपको कैसे लगी। होप जो ये वीडियो है आपको बढ़िया लगी होगी। अगर आपको अपनी कोई कार ऐसी मॉडिफाई करानी है तो आप लोग आ सकते हैं कार बिस्ट कर्ल बाग पर, नंबर आपके नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।